नवी मुंबई के वरिष्ठ नेता और पूर्व महापौर भरत नखाते के नेतृत्व में आयोजित वासी सेक्टर एक का गणेशोत्सव में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग रहा है। यहां संत तुकाराम महाराज के देहू के शिला मंदिर की मनमोहक प्रतिकृति और भक्तिमय माहौल गणेश भक्तों को खूब आकर्षित कर रहा है। आज यहाँ विधायक नीलेश लंके, DCP क्राइम सुरेश मेंगड़े और युवा नेता संकल्प संजीव नाइक ने भेंट दिया और मंगल मूर्ति का दर्शन लेते हुए सभी जनों के मंगल की कामना की। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रहा यह नजारा नई मुंबई के वासी सेक्टर एक में आयोजित व्यापारी संघ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का है। पूर्व उपमहापौर भरत नखाते के नेतृत्व में 42 वर्षों से आयोजित हो रहा गणेशोत्सव अब की बार ज्ञान और भक्ति का संदेश दे रहा है। अब की बार यहाँ मशहूर संत तुकाराम के देहू स्थित शिला मंदिर की प्रतिकृति उभारी गयी है, जो भक्तों को खूब आकर्षित कर रही है। आज सातवें दिन यहां भक्तिमय चौकी के साथ भजन कीर्तन चले। मशहूर बिल्डर नलिन शाह ने यहां सपत्नीक भेंट दी और ज्योति जलाकर माता के जागरण का शुभारंभ किया। उन्होंने विघ्नहर्ता श्री गणेश के दर्शन का भी लाभ लिया। उत्सव में पारनेर के लोकप्रिय विधायक नीलेश लंके प्रमुख अतिथि रहे। उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन के बाद राज्य के सभी जनों के लिए मंगल की कामना की। नई मुंबई के पुलिस उपायुक्त सुरेश मेंगड़े ने यहां श्री मंगल मूर्ति की पूजा आरती में हिस्सा लिया। उन्होंने विघ्नहर्ता के प्रति आस्था प्रकट करते हुए जनता के लिए क्या मांगा, आइए सुनाते हैं। सगळ्यात महत्त्वाचं दोन वर्ष आपण कोविड मध्ये असल्यामुळे आपल्याला गणेश उत्सव कुठला यात्रा उत्सव करता आलेला नाही। दोन वर्षाच्या नंतर आमचे या भागाचे नेते नवे पूर्ण नवी मुंबईमध्ये ज्यांनी आदर्शपणे कामकाज चालवलं असे आमचे नखाते साहेब, त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी गणेश उत्सव या भागामध्ये इतका आनंदमय या ठिकाणी वातावरण निर्माण झाले। हा शिला मंदिरसुद्धा या ठिकाणी मी पाहिलं। आज सकाळपासून मी लालबागचा राजा असो, वेगवेगळ्या चिंचपूरचा त्या ठिकाणी गणेश उत्सव असो, वेगवेगळ्या मंडळांना भेटी दिल्या, पण या ठिकाणचं डेकोरेशन, या ठिकाणचा देखावा मला एक आगळा वेगळा वाटला आणि वातावरण एकदम समाधानकारक आणि प्रसन्न वातावरण या ठिकाणी आमच्या या सर्व सहकारी मंडळींनी या ठिकाणी ठेवलेलं आहे। आणि या मंडळाला गेले 42 वर्ष, म्हणजे अखंडपणे कुठलाही खंड न पडता ही मंडळ या ठिकाणी काम करतं आणि विशेष म्हणजे गणेश उत्सवापुरतं हे मंडळ या ठिकाणी या परिसरामध्ये काम करीत नाही, तर समाजाची सामाजिक बांधिलकीचा विचार करून माझ्या तळागाळातील व्यापारी असू, त्या ठिकाणी बेरोजगार असू, शेतकरी असू, गोरगरिबांना मदत करण्याचं काम आमचं नखाते साहेब या ठिकाणी करत आहोत। याचा मेन हेतू फक्त सामाजिकता आणि समाजासाठी आपण काहीतरी दिलं पाहिजे या भावनेने या ठिकाणी काम करणारे आमचे सर्व नखाते साहेब आणि त्यांचा मित्रपरिवार आणि त्यांचे सर्व सहकारी, मी या निमित्ताने गणरायाला प्रार्थना करतो की जे आम्हाला दोन वर्ष आम्हाला कोविडशी लढावं लागलं असं संकट परत या देशावर या जगावरसुद्धा आलं नाही पाहिजे, आणि गणरायाला प्रार्थना करतो की माझ्या सर्व मायबाप जनतेला, माझ्या शेतकरी बांधवाला, माझ्या सुशिक्षित बेरोजगार असो, माझ्या अंध बांधव असो, माझ्या विधवा माता भगिनी असो, दिव्यांग बांधवांना सुखी समाधानी ठेव अशी मी सर्वांच्या वतीने प्रार्थना करतो। 42वा साल आहे इनका व्यापारी संघ, ये सार्वजनिक गणपति है जिसमें से श्री भरत जी नखाते ये सारा बनाते हैं लोगों के लिए, तो बड़ी खुशी है। आपको मालूम है कि गणपति ये हमारा बहुत बड़ा श्रद्धा स्थान होता है और संत तुकाराम जी के बारे में क्या बताएं, तो ये वारकरी संप्रदाय का सबसे बड़ा संत है और जिसका मैं खुद फॉलोअर हूँ कि इससे बहुत बड़ी जो शिकवण मिलती है तो उनसे मिलती है। नई मुंबई में बड़ी शांति से यानी बड़ी धूमधाम के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है और सरकार ने भी काफ़ी सहूलतियाँ दी है इन लोगों के लिए, तो लोग भी काफ़ी खुश हैं और नई मुंबई का सारा सिटीज़न लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, तो इसकी वजह से तो पुलिस को थोड़ा लोड कम है। हम हमेशा बोलते हैं कि एवरी लॉ अबाइडिंग सिटीज़न इज़ अ पुलिस मैन, तो यहाँ के सारे लोग जो है खुद पुलिस का काम करते हैं, मंडल के कार्यकर्ता काम करते हैं। बाकी ये त्यौहार अभी तक बहुत बढ़िया से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई उपहासात्मक या कोई गलत तरीके से कोई देखावा भी नहीं है,
तो लोग काफ़ी कानून पालते हुए ये काम कर रहे हैं। और इन टाइम हमारा जो विसर्जन हुआ इन टाइम हुआ, कोई डीजे का बड़ा संगीत या लोगों को तकलीफदायक कोई चीज़ नहीं हुई। हमें बहुत खुशी है, हम लोगों के लिए भगवान के पास प्रार्थना करते हैं गणपति जी के पास कि इनकी सारी आयुष्मान सुखी रखे, इनको उनकी हेल्थ अच्छी रहे और ऐसा सहयोग लोग हमें पुलिस को दे और जो सारे कानून और नियम हैं उनका भी पालन करें। इस शुभकामना के साथ मैं गणेश जी के साथ यही प्रार्थना करता हूँ। यहाँ नवम्बई के कोने कोने से भक्त शिला मंदिर और मंगल मूर्ति श्री गणेश के दर्शन को आ रहे हैं। उनका अनुभव यहाँ की व्यवस्था और वरिष्ठ नेता भरत नखाते के विजन का सबूत देता है। श्रद्धालुओं ने कहा कि संत तुकाराम के मंदिर की प्रतिकृति उभार कर वरिष्ठ नेता भरत नखाते ने उन्हें वास्तविक मंदिर में दर्शन का भक्तिमय अनुभव करा दिया है। तुकाराम महाराजांचं आम्हाला खूप आवडलं मंदिर वगैरे, खूप म्हणजे खूपच छान आहे असं वाटलं की त्यांचे आम्हाला स्वयं असे दर्शन होत आहे आणि त्यात गणपती बाप्पाचं दर्शन तर खूपच छान आहे असं वाटलं की जसं खरं साक्षात आम्ही अशा मंदिराचं दर्शन घेत आहोत। मनाला खूप आमचा आनंद वाटला, तुकाराम महाराजांचंही आम्हाला दर्शन झाले आणि त्यात जास्त आमच्या गणपती बाप्पाचं आम्हाला दर्शन झालं तुकाराम महाराजांच्या सोबत, ते आम्हाला खूप आवडलं आणि खूप खूप छान आहे दर्शन और अच्छा डेकोरेशन। वो देख के बहुत आनंद आया, ये इनका कार्यक्रम हम हर साल देखते हैं सर। वाटलं असं म्हणजे जे पुण्यामध्ये आहे ना देऊमध्ये तसं इथं आल्यासारखं वाटलं, मला छान वाटलं दर्शन पण झालं इथं वाशिममध्ये येऊन असं आगे पुण्यात गेल्यासारखं वाटलं। यहाँ पे स्वर्ग अनुभव आ रहा है, जो हमारे आराध्य देवदेव विठल जी उनका जो सबसे अच्छे भक्त है तुकाराम जी का देव में जो मंदिर है जो आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहब ने किया है उद्घाटन उसका शिलान्यास के बाद ये आज इधर वाशी में भरत नखाते साहब के देखरेख में सब ये मंदिर का नियोजन हुआ है। मुझे बहुत ही आनंद हुआ है और सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं यहाँ पे आके दर्शन कर पाया हूँ। कि गणपति के दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि ये जो अभी इन्होंने जो देखा हुआ बनाया है सेट बनाया है जो हमारे संत तुकाराम जी का जो है जो पुण्य संत संत हमारे थे वो सेट इतना अच्छा बनाया है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग खुद वहाँ पे ही ये करके इसके लिए यहाँ पे आके एक्चुअली हम लोगों को ऐसा बहुत अच्छा लगा और गणपति पापा के बहुत दर्शन करके हम बहुत सुख पाए। ऐसा लगा कि सही में हुई वो संत की याद दिला दिए और ये डेकोरेशन काफी अच्छा लगा, मंदिर का जो ये दिया है उन्होंने वो काफी अच्छा लगा। खरोखरच आजचा भरत नखाते साहेबांचा मी जो आता देखावा जो केलेला संत तुकाराम महाराज शिला मंदिरांचा हा खरोखर वाखाणण्याजोगा आहे, कारण 2 वर्ष कोरोनाच्या काळामध्ये गणपती बघण्यासाठी लोक बाहेर निघत नव्हते, आज 2 वर्षानंतर गणपतीचा आज सगळीकडे देखावे आपल्याला बघायला भेटत आहेत, खूप छान वाटतंय। आज हा सगळा देखावा बघून खूप खूप छान वाटतंय, मन अगदी भरून आलेलं आहे। वहीं गणेशोत्सव के जरिए सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान में जुटे वरिष्ठ नेता भरत नखाते के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे युवा नेता अक्षय नखाते ने कहा कि हर साल कुछ नया हो जिससे गणेश भक्तों में आकर्षण और भक्ति भाव जगे और उन्हें आध्यात्मिक आनंद भी मिले, यही मंडल की कोशिश है। यहाँ आने वाले भक्तों की भीड़ इन प्रयासों के सफलता का सबूत देती है। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल व्यापारी संघ सेक्टर 81 हमारे जो संस्थापकीय अध्यक्ष हैं हमारे पिताजी भरत नखाते साहब, जैसे कि आप देखते रहोगे हमारा 42वां साल है और मेरी उम्र अभी 30 है और जैसे मैं बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ हमारे पिताजी का जो भगवान के मतलब श्री गणेशा के प्रति जो प्यार है जो भावना है सद्भावना है उन्हीं का जो कहते बड़ों के संस्कार हमारे पिता माँ पिता के जो संस्कार हमें मिले तभी से हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ये जो गणपति हम ये मंडल में स्थापित करते आ रहे एक अलग अलग प्रकार के डेकोरेशन जैसे कि वैष्णो देवी अमरनाथ तुलजापुर शनि शिगनापुर हुआ हर एक चीज़ों का हमने यहाँ पे लोगों को नवी मुंबई की जनता को वो दिखाने का हमने प्रयत्न जो किया है वो कई तरह से इस समय मतलब ये सब हमें लग रहा है कि सफलतापूर्वक हो रहा है। जैसे पिताजी ने इस समय किया है शिला मंदिर जो देहू में नरेंद्र मोदी साहब जी प्रधानमंत्री जी आए थे उनका उद्घाटन करने, या हमारे नवी मुंबई के जो सर्वे सर्वा नवी मुंबई के शिल्पकार श्री गणेश जी नाइक साहब आए थे गणपति की मूर्ति की स्थापना करने, तो आज ये देख के लग रहा है जैसे लोगों का यहाँ पे जो तादाद बढ़ गई है आने की, तो हमें आज एक अंदर से एक फील मिल रहा है कि एक समर अंदर से एक शांति मिल रही है कि लोगों को वो चीज़ पसंद आ रही है।
और जैसे कि आप अंदर आके देखते रहोगे, अंदर आके जो प्रसन्नता है इस मंदिर के अंदर वो बहुत अलग तरीके की है। वो जो हम दूसरों से सुनते हैं, जो बाहर से आते हैं वो लोग, वो सुनने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।